बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सखीरे आत्म रोग बुरो लग्यो या को दारु न मिले तबीब या को दारु न पहले आप
पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीनिजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बायजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। पहले आप पहचानो रे साधो प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही आनंददायी बेला है कि हम सब मंगल धाम में बैठ करके मंगलमय वातावरण का उपभोग कर रहे हैं, मंगलमय वातावरण का आस्वादन भी कर रहे हैं, मंगल धाम में रहने का स्वाद चख रहे हैं। लोग मंगल धाम से चर्चा के माध्यम से, जब से ये कोरोना महामारी फैली तो हम लोगों ने सोचा कि अब जा करके चर्चा जो सुनाते थे, अब यहीं बैठे हम लोग चर्चा प्रसारण करेंगे। तो हम लोगों ने खिलवत से, परिक्रमा से, सागर से, श्रृंगार से, उसके बाद प्रकाश से, रास से, कलश से, षट ऋतु से चर्चा सुना चुके हैं अभी तक। किरंतन मैंने बचा करके रखा था कि किरंतन की तो चर्चा होती रहती है, सब लोग करते ही रहते हैं, क्योंकि जो भी चर्चा करने के लिए आता है उसको मौका दिया जाए तो किरंतन से ही करता है, क्योंकि किरंतन में बहुउद्देश्य ज्ञान है। इसलिए किरंतन के कोई भी प्रकरण को उठाइए तो चर्चा करने में आसानी होती है, लोग आराम से आपकी चर्चा को समझ सकते हैं, इसके लिए किरंतन की चर्चा होते रहती है। तो मैंने सोचा कि और सब किताब हो जाए फिर किरंतन में प्रवेश करेंगे। तो आज 1 मई, 1 मई कहते हैं ना, लेबर डे भी कहते हैं, और आज के दिन हम गुरुजी मंगलदास जी महाराज को भी याद करते हैं। तारीख के हिसाब से आज के दिन गुरुजी की जो है धामगमन की तारीख भी है, तिथि के हिसाब से हम कल मना रहे हैं। तो ऐसे इस पावन दिन से किरंतन में हम लोग प्रवेश करें और जितने दिन चला सकते हैं किरंतन को आगे बढ़ाते रहें। तो किरंतन का अर्थ होता है कीर्तन करना। आप देखिए, एक होती है प्रार्थना और दूसरा है भजन और तीसरा है कीर्तन, तीनों शब्द मिलते जुलते लगते हैं ना। ऐसे देखो तो तीनों में कोई बहुत अंतर नहीं दिखलाई देता है, पर प्रार्थना क्या है कि परमात्मा के सामने बैठ करके जो अर्जी लगा रहे हैं, अरदास कहते हैं ना सिख धर्म में, गुरुद्वारे में आप जाइए तो अरदास करते हैं ना हम, उसको अर्जी कहते हैं। बात एक ही है, हम अर्जी करते हैं ना, पिया तुम हो तैसी, ये भी तो एक अर्जी है। इसी तरह से प्रार्थना पुष्पांजलि में राज्य से अर्जी की गई है, विनती की गई है। तो देखिए वो प्रार्थना हो गई। उसके बाद भजन कहा जाता है कि प्रेम से, राग से परमात्मा के महिमा जिन शब्दावली में गाई जाती है उसको भजन कहा जाता है। परमात्मा को भजते हुए गाना, परमात्मा को याद करते हुए गाना। और एक शब्द और आया कीर्तन। कीर्तन का अर्थ होता है बार बार एक चौपाई को दोहराते रहना, दोहराते रहना। जैसे हम लोग प्रवचन से पहले धुन लगाते हैं ना, धुन कीर्तन, बार बार उसको रिपीट करके गाते रहना, गवाते रहना, और सबको उसमें समूह में सबको सम्मिलित करना, सबको इन्वॉल्व करना।
वो किरंतन का अर्थ होता है। और किरंतन शब्द को उल्टा कर दो तो नर्तकी शब्द बनता है। अब देखिए नर्तकी नाचने वाले को भी कहा जाता है। नाचना एक लोगों को रिझाने के लिए भी होता है और नाचना परमात्मा को रिझाने के लिए भी होता है। जैसे लोग शादी ब्याह में नाचते हैं तो दुल्हा दुल्हन को या इष्ट मित्रों को रिझाने के लिए नाचते हैं, और मंदिर में कथा कीर्तन में नाचते हैं तो राज्य को रिझाने के लिए उमंग में नाचते हैं। तो किरंतन में नृत्य भी है और किरंतन में गाना भी है, किरंतन में खोना भी है, किरंतन में रसमय होना भी है, बहुत कुछ है। तो पहला प्रकरण है जाना पहचाना प्रकरण, और ये प्रकरण की पहली चौपाई तो प्रत्येक प्रणामी को कंठस्थ है मुझे लगता है। सुन 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 करके, कई बार ऐसा होता है कि बार बार सुन करके ऐसे होता है कि कई चौपाइयाँ खुद व खुद कंठस्थ हो जाती है। तो देखिए किरंतन की पहली चौपाई और राग श्री मारु। प्राणनाथ जी ने बहुत सारे प्रकरणों में राग भर दिया है, प्राणनाथ जी के समय में ही राग भरा गया देखिए, क्योंकि राग से गाने का अपना आनंद है। राग में डूब करके उसमें, क्योंकि प्रातःकालीन राग अलग होते हैं, दिन के राग अलग होते हैं, सायंकालीन राग अलग होते हैं। प्रातःकाल में प्रभाती जो गाते हैं वो भी एक राग है, सायंकाल में गौरी जो गाते हैं वो भी एक राग है। तो प्रातःकाल हम गौरी राग नहीं गाते हैं, सायंकाल प्रभाती राग हम नहीं गाते हैं। देखिए सबका समय निश्चित है, गाने का समय निश्चित है। तो ये राग मारू में श्री जी ने इस प्रकरण की रचना की, इसमें ये राग उन्होंने भरा। और मुझे लगता है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज ने जो जो प्रकरण सार्वजनिक रूप से हम गा सकते हैं उनके ऊपर राग का नाम रख दिया है, और जो आशिक और मासुक की बातें बोलते हैं ना, जो सार्वजनिक सभाओं में उसकी चर्चा नहीं होती है, उन प्रकरणों में राग का नाम नहीं रखा है। पर आजकल जो गाने वाले हैं ना, ऐसे प्रकरण को भी गा देते हैं। वो आत्मा परमात्मा की बात है, वो गहरी बात है, वो अंदर ही रखिए। जो सार्वजनिक बात है वो गाइए, बाकी आंतरिक बातों को अपने हृदय में सजा करके रखना चाहिए। इसलिए श्री जी ने राग उनमें डाला ही नहीं, राग उसमें भरा ही नहीं। तो ये जो किरंतन प्रारंभ हो रहा है, पहला प्रकरण, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले शब्द से श्री जी ने वाणी का उच्चारण प्रारंभ किया। क्योंकि पहला प्रथम को कहते हैं ना, पहले ये काम होना चाहिए, पहले यहाँ जाना चाहिए, ऐसे हम बोलते हैं ना। पहले मतलब प्राथमिकता देना उसको, उसको दूसरे नंबर में तीसरे नंबर में नहीं रखना, प्राथमिकता देते हुए पहला उसको प्रायोरिटी हम देते हैं ना, पहला कहते हैं प्रायोरिटी देना। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि अरे सज्जनों, अरे जिज्ञासुओं, साधुओं, साधो शब्द जो प्रयोग हुआ है ये सज्जनों के लिए प्रयोग किया है। साधनोति परकार्यम इति साधु कहते हैं ना, जो परोपकार करता है, सेवा में लगा है, उसको भी साधु कहा जाता है। साधना संपन्न यह स साधु ऐसा भी कहते हैं, जो जीवन को साध रहा है, साधना से परिपूरित हो रहा है, उसको भी साधु कहा जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में साधुवाद भी कहते हैं ना, साहित्यिक गतिविधियां जहाँ होती है तो वहाँ पर धन्यवाद की जगह साधुवाद शब्द प्रयोग करते हैं। और कोई अच्छा प्रवचन करता है ना तो साधु साधु ऐसा करके उसको क्या है कि प्रोत्साहन दिया जाता है कि तुम अच्छा बोल रहे हो। तो ये साधु शब्द व्यापक शब्द है, इसका व्यापक प्रयोग होता है। हम लोग साधु कहते ही वेशधारी को समझते हैं, भेषधारी कोई व्यक्ति आए तो चलो साधु चल करके आया। पर जो परोपकार में, सेवा में, साधना में जो लगा है, उसने वेश भले ही न बनाया हो, वेश जैसे भी वो धारण कर रहा है,
पर मन साधना में जिसने संलग्न किया उसको भी साधु कहा जा सकता है, सज्जन कहा जा सकता है। तो श्री जी महाराज ऐसे विश्व के सब समस्त सज्जनों को, जिज्ञासुओं को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, पहले अपने आप को पहचानो, स्वयं को पहचानो। तो अपने आप को कैसे पहचानना, हमने तो पहचान रखा है क्योंकि हम किस कुल के हैं, किस जाति के हैं और किन माता पिता की संतान हैं, हमारा नाम क्या है, हमारा घर कहाँ है, हमारा व्यवसाय क्या है, ये सब तो हमने पहचान लिया है। फिर वे प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अपनी पहचान करो। तो इसका तात्पर्य है कि अब तक जिन चीज़ों से हम परिचित हैं वो हमारा परिचय नहीं है, वो हमारा भौतिक परिचय है, हमारा नाम भी हमारा भौतिक परिचय है। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं आपके अंदर जो चेतना है ना, जिस चेतन तत्व के चलते आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, हृदय की धड़कन चल रही है, तो वो जो चेतन तत्व है आप में विद्यमान है तो आप यावत कार्य कर रहे हैं। चेतन तत्व के निकलने से सब ठप हो जाता है, शरीर एकदम रुक गया, वहीं शरीर मृत्यु हो गई। तो चेतन ने इस शरीर को बचा करके रखा है, इंद्रियों को जागृत करके रखा है। तो उस चेतन तत्व को, उस आत्मा तत्व को पहचानो कि हम आत्मा हैं। पहले ये हमें पहचान हो जाए कि हम स्वयं आत्मा है, मात्र शरीर नहीं है, शरीर के अंदर जो चेतना है हम वास्तव में वो है। जो दिखलाई दे रहा है एक दिन मिट जाएगा, जो दिखलाई नहीं दे रहा है वो अमर होगा, अजर होगा, अविनाशी होगा, उसी को आत्मा कहते हैं। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं पहले अपने को पहचानो, फिर पहले आप पहचानो। ये पाद पूर्ति कहते हैं, राग में गाने के लिए उसी चीज़ को दोबारा सजाया जाता है कि स्वयं को पहचानो, बार बार अपने आप को पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, स्वयं को पहचाने बिना परब्रह्म परमात्मा को कौन पहचान सकता है, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा तो बहुत दूर है ना, सृष्टि से परे हैं, सृष्टि से भी परे हैं, हमारे दृष्टि से भी परे हैं। इसलिए आत्मा तो हमारे दिल में ही है ना, हमारे अंदर ही आत्मा है। अपनी धड़कन को देखो तो आत्मा होने का अनुभव होता है, धड़कन को देखो तो खुद जिंदा होने का अनुभव होता है ना, हम जिंदा है कि नहीं। इस चीज़ को जानने के लिए क्या किया जाता है कि कई लोग नाड़ी देखते हैं ना, नाड़ी देखते हैं तो पता होता है कि नाड़ी चल रही है, हम जिंदा हैं, धड़कन चल रही है, जिंदा है। डॉक्टर लोगों के पास किसी बीमार को लेकर के जाइए, मरा कि जिंदा है, तो डॉक्टर लोग अपना वो स्टेथोस्कोप होता है ना, जांचने का यंत्र, उससे क्या करते हैं, धड़कन सुनते हैं। हृदय की धड़कन चल रही है तो जिंदा है, धड़कन ठप है तो मर चुका है, उसको मृत घोषित कर देते हैं। तो देखिए कि आत्मा हमारे बिल्कुल करीब है, आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, पर उसकी पहचान का ज्ञान हमें नहीं हुआ, किसी ने दिया नहीं, कोई सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो हमको वो ज्ञान नहीं मिला। इसलिए श्री जी महाराज सच्चे सदगुरु के रूप में हमें समझा रहे हैं कि पहले स्वयं की पहचान करो, और अपने आप को पहचाने बिना परमात्मा की पहचान नहीं होती। आत्मा की पहचान होगी तो परमात्मा की पहचान होगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश को आपने देख लिया तो अंशी को भी आप देखेंगे ना। पानी को देखते ही नदी देखने की इच्छा होती है, समुद्र देखने की इच्छा होती है ना, पानी का मूल स्रोत समुद्र होता है। इसलिए ऐसे ही हवा को देखने के बाद वायुमंडल का अनुभव होने लगता है, आग को देखने के बाद सूर्य का अनुभव होने लग जाता है। आप देखिए मिट्टी का ढेला देखते ही पृथ्वी का अनुभव होने लग जाता है। इसी प्रकार से आत्मा की पहचान हो जाएगी तो परमात्मा की भी पहचान होगी, और आत्मा के पहचान के बिना परमात्मा को जानता हूँ ऐसा कोई कहेगा
कौन कहे मैं जानूं, अगर कोई कहेगा कि मैं जानता हूं तो उसका जानना निरर्थक है, होता ही नहीं। बिना आत्मा पहचाने परमात्मा की पहचान कभी होती ही नहीं है। श्री जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई कहे तो वो झूठी बात कर रहा है। सत्य बात यही है कि आत्मा के मार्ग से ही परमात्मा की खोजी होती है, यही एक सही दिशा है। दिशाहीन व्यक्ति वास्तविकता का परिचय नहीं दे सकता है। सत्य का परिचय देने के लिए सत्य मार्ग में ही चलना होगा, सही दिशा में जाना होगा, सही खोज करनी होगी। इसलिए पहले आत्मा की ही खोज करो, आत्मा को पहचानो, फिर परमात्मा की खोज करो और परमात्मा के चरणों में जाकर के मिलो। पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तो लो भटकत फिरत भरमानो। अगली पंक्ति में श्री जी ने कहा कि आत्मा की पहचान हो गई और आत्मा के बाद परमात्मा की भी पहचान हो गई कि यही मेरे स्वामी, यही मेरे मालिक, श्रीराज जी मेरे सर्वेश्वर। देवी देवता अनेक हैं सृष्टि के संचालन के लिए, पर सृष्टि से परे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजे हुए हैं, वही मेरे आत्मा के धनी है, ऐसा आपको पूर्ण ज्ञान हो गया। तो परमात्मा का घर कहाँ है, पीछे ढूंढो घर अपनो। आत्मा का घर कहाँ है? आत्मा का घर परमात्मा का घर ही है। जैसे लड़का स्कूल पढ़ने जाता है ना, तो तुम्हारा घर कहाँ है, तो वही घर का एड्रेस बताता है जो उसका बाप का घर है। उसका बाप का घर ही बेटे का भी घर है। जहाँ परमात्मा का घर है वहीं आत्मा का घर है। इसलिए हमें अलग से कोई ठिकाना बताने की जरूरत नहीं है, बस परम धाम आत्मा का घर है, उस आत्मा के घर को ढूंढना है। तब कौन ठौर ठहरानो, शरीर से निकलने के बाद आत्मा जाकर के किस ठिकाने ठहरेगी, उसको स्थायित्व, सदा सदा रहने का स्थान कहाँ है, वही तो परम धाम है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि जैसे संसार में आप देखिए ना कि कई लोग तो बाप का घर, बाप का बसा बसाया घर मिल जाता है तो यही मेरा घर है ऐसा करके खुश हो जाते हैं। पर कई कई बच्चे होते हैं कि बाप का घर ही नहीं होता है, बाप किराए के घर में रह रहा है, किराए का घर तो अपना कभी होता नहीं है, मालिक किसी दिन भी निकाल सकता है वहाँ से। इसलिए ऐसे बेटे पढ़ लिख करके जब आता है तो उसके मन में एक ही तरस होती है, एक ही तमन्ना होती है कि मेरा घर होना चाहिए, मेरा अपना घर, मेरा अपना एड्रेस होना चाहिए। तो ऐसे करके घर को खरीदने के लिए, अपने घर में रहने के लिए कितना वो तरसता है और कितना श्रम और परिश्रम करके पैसा इकट्ठा करता है, लोन भी लेता है, लोन चुकाते रहता है और अपना घर वो खरीद लेता है, अपना घर वो बना लेता है। तो आप देखिए संसार में भी अपना घर होने का आनंद कुछ निराला होता है ना। मेरा घर है, ये मेरा अपना घर है, यहाँ से कोई मुझे हटाएगा नहीं, ऐसे लगता है कि हम स्थाई रूप से इस घर में बस गए, हम अपनत्व उससे हो जाता है। ऐसे ही आत्मा का भी स्थाई ठिकाना का पता होना चाहिए, अन्यथा आत्मा भटकती रहेगी, कभी इस शरीर में, कभी उस शरीर में, कभी इस घर में, उस घर में। जब परमधाम रूपी घर का पता लग जाएगा, पूर्ण पता लग जाएगा, तभी सही ठिकाने में जाकर के आत्मा का निवास होगा। इसलिए कहते हैं जब लग घर पावत नहीं अपनो, जब तक अपने घर का पता नहीं होगा, तो लो भटकत फिरत भरमानो, फिर तब तक आत्मा भटकती रहेगी, फिरती रहेगी, चक्करें काटती रहेगी, 84 के चक्र, जन्म मरण के चक्र, इसमें आत्मा पड़ी रहेगी। एक बार गुरु की कृपा से आत्मा को पता लग जाए कि परम धाम तेरा घर है, तो 84 में जाने का कार्य वो आत्मा नहीं करेगी, 84 से मुक्त होने का कार्य करेगी, 84 से निवृत्त होने का कार्य करेगी और अपने मूल मुकाम के तरफ, परमात्मा के उस द्वार के तरफ जाने की यात्रा प्रारंभ करती है। उसी को जागनी कहा जाता है।
श्री जी ने जो जागनी शब्द दिया है वो केवल संसार में जागने के लिए नहीं है, अपने मूल स्वरूप को पाने के लिए और अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सान्निध्य में जाने के लिए भी जागनी बहुत जरूरी है। जागनी से हम कदम अगाड़े आगे बढ़ाते चलें तो पूर्ण रूप से हमारी जागनी हो जाएगी। जब हम मूल मिलावे में सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के उस धाम में जाएंगे, जागेंगे, पहुँचेंगे और वहाँ का रसानंद का हम अनुभव करते रहेंगे, तो यही प्रणामी धर्म का सार है, यही प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का सार है। तो देखिए ये चर्चा का प्रसंग तो चलता ही रहेगा। आज के दिन में हमारे लिए बहुत पावन दिन है कि आज गुरु महाराज 1985 में फर्स्ट मई के दिन लेबर डे का आ जाता है ना, आज ऐसे भी छुट्टी का दिन है और विश्व भर के जो लेबर हैं उनको आदर करने का दिन है, आज उनके नाम से उनके कार्यों की प्रशंसा करने का दिन है। और इधर गुरु महाराज ने भी अपना देह त्याग तारीख के हिसाब से आज के दिन ही उन्होंने किया, यही मंगलधाम में जहाँ उनका नीचे कमरा है जहाँ पर विराजमान होते थे, एक तरफ उनका विश्राम कक्ष है और ठीक उसके सामने जो प्रवचन करते थे, वाणी सुनाते थे, जागनी करते थे, वो एज इट इज़ हम लोगों ने सजा करके रखा है। गुरु महाराज के समय में जो पलंग था वही पलंग है, वस्त्र उनके वही हैं, सब सामान उनके उसी तरह से सजा करके रखे गए हैं। 38वीं पुण्यतिथि हम अब मना रहे हैं, 38 साल हो गए गुरु महाराज को धाम पधारे, तो आज के दिन उनको भी याद करने का दिन है। और विशेष करके हमारे मुंबई में आज ही के दिन हर साल फर्स्ट मई को गुरुजी को याद करके वहाँ के सुंदर साथ संत गुरुजन भी पधारते हैं और वहाँ एक आनंद उत्सव पारायण का कार्यक्रम, प्रवचन का कार्यक्रम, गुरु भक्ति के भजनों का कार्यक्रम, बड़ा सुंदर कार्यक्रम और गुरुजी के नाम से भंडारे का कार्यक्रम होता है। मैं भी प्रतिवर्ष मुंबई जाता हूँ उस कार्यक्रम में, क्योंकि मुंबई की पूरी जागनी गुरुजी की जागनी है। ऐसे तो वहाँ सुंदर साथ पहले से थे पर उनको जगाया गुरुजी ने, सबको संगठित किया गुरुजी ने, मूल मिलावे की बैठक में बैठा करके सबको इतना संगठित किया कि सब धर्म में अत्यंत प्रवीण हो गए, धर्म में अत्यंत झुक गए। तो कहीं भी प्रणामी समाज में बम्बई के सुंदर साथ कहने से उनकी एक मान्यता होती है, लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, ये गुरु महाराज के पक्के भक्त हैं और पक्के प्रणामी हैं, पक्के सुंदर साथ हैं। तो आज के दिन वहाँ पर पावन पर्व मनाया जाएगा। हम लोग मंगलधाम में हैं तो हम लोग तिथि के हिसाब से मनाते हैं, हम लोग कल के दिन गुरु जी की तिथि हम लोग यहाँ पर मनाएंगे, सुबह गोटा पारायण 9 बजे हम लोग यहाँ पर गोटा पारायण रखेंगे। आजकल हम लोग 36 गोटा रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ को पढ़ने का मौका मिले, तो 9 बजे से 10:30-11 बजे तक हम लोग पारायण पाठ करेंगे। 11 बजे के बाद इसी मंच पे हम लोग आएंगे और 11 से लगभग 2 बजे तक हम लोग यहाँ गुरु जी के नाम से सुंदर कार्यक्रम, गुरु भक्ति का कार्यक्रम, और हमारे गुरुकुल के सभी विद्यार्थी एक एक मंगल सूक्ति सुनाएंगे। गुरु जी की सूक्ति उनको रोज याद कराई जाती है, तो गुरु वंदनाएं यहाँ पर होंगी, गुरु जी के प्रति विचारों को रखा जाएगा, गुरु जी के साथ रहने वालों ने गुरु जी का अनुभव कैसे पाया, कृपा प्रसाद कैसे प्राप्त किया, ये सब भी यहाँ पर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो 2 बजे के बाद फिर भंडारे का कार्यक्रम होगा, कल विशेष संख्या में सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे, आसपास के बहुत सारे जगह से सुंदर साथ यहाँ पर आएंगे और गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा भाव अर्पण करेंगे। फिर सायंकाल सेवा पूजा हो जाएगी, सेवा पूजा के बाद नीचे गुरुजी का जो कमरा है वहाँ विरह के 6 प्रकरण गाए जाएंगे और उसके बाद फिर मेरे धनी धाम के दुल्हा, ये प्रकरण गुरुजी ने ही गाने की प्रेरणा दी थी, उनकी याद में हम लोग गाते हैं, ऐसे तो श्री जी की वाणी है, उसका गायन होगा। फिर हम लोग महाआरती करेंगे,
जितने सुंदर साथ रहेंगे सबके हाथ में आरती होगी। महाआरती करके हम लोग राज श्यामा जी सुंदर साथ के धुन के साथ मंगलधाम में आएंगे, मंगलधाम में भी आरती उतारेंगे। गुरु जी कैसे थे, कैसे चलते थे, ये दृश्य हम मंगलधाम में आरती के बाद जब सुंदर साथ यहाँ आएंगे ना, तो प्रोजेक्टर से हम लोग यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि गुरु जी कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे। क्योंकि हम लोग नीचे भी दिखाते रहे पर हमने देखा कि यहाँ मंगलधाम के अंदर दिखाएंगे तो और व्यवस्थित रहेगा। तो 5-7 मिनट का गुरु जी का भी प्रत्यक्ष दर्शन करने का आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से मौका मिलेगा। ये सब कार्यक्रम कल के कार्यक्रम हैं, हम हर रोज़ एक न एक कार्यक्रम में यहाँ पर सम्मिलित रहेंगे। 8 तारीख तक निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा, तो सुबह वाणी चर्चा इसी मंच से 8 तारीख तक हम लोग जारी रखेंगे। और हमारे मध्य में चंडीगढ़ से श्री श्यामानंद जी महाराज पधारे हुए हैं, तो मेरा उनसे आग्रह है कि प्रार्थना पुष्पांजलि, क्योंकि गुरु जी के इस मंगल धाम में आए और प्रार्थना पुष्पांजलि का गायन हमने नहीं किया तो हमने क्या किया। कल तक स्वामी सदानंद जी महाराज गायन कराते रहे, तो आज से प्रार्थना पुष्पांजलि के एकाध पद गायन करके और उसका रहस्य क्या है रोज़ हमें बताएंगे। 8 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा, रोज़ हमें उसका रहस्य बताते रहेंगे। तो आइए आज चर्चा को यही विराम दे रहे हैं, चौपाई दोहराते हुए जब अर्जी बोली जाएगी उसके बाद प्रार्थना पुष्पांजलि का गायन होगा। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। आज जो मंगलधाम में भंडारे की सेवा आई है, राजभोग और भंडारे की सेवा, श्री कृष्ण अग्रवाल बंगाल मेडिकल स्टोर की लड़की और दामाद जो नागरकाटा में रहते हैं, श्रीमती सरोज और किशन छाउछरिया, उनके परिवार की ओर से आज गुरुजी के स्मृति दिवस के अवसर पर भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है, उनको बहुत बधाई मंगल कामनाएँ। आज एक और भंडारा है, हैदराबाद निवासी मोनिका सिंघल, उन्होंने अपने धामवासी पति अमित सिंघल के नाम से भंडारे की सेवा भेजी है, तो मोनिका जी को भी मंगल कामनाएं, मंगल बधाई और धामवासी आत्मा को श्रद्धा अर्पण करते हुए दोनों भंडारे सुबह और शाम की दोनों भंडारे आज की प्राप्त हुई है, सबको बहुत बधाई। और कल के दिन मैं नहीं बता पाया था, कल के दिन भी यहाँ पर गेजिंग सिक्किम निवासी संगीता और डीबी कार्की ने और एक उनकी बहन सरोजा ने मिलकर के अपने धामवासी माता जसोदा थापा के नाम से कल भंडारा दिया था, तो धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के प्रति मंगल बधाई व्यक्त करते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। पीछे ढूंढो घर अपनों, तब कौन ठौर ठेरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो, तोलो भटकत फिरत भरमानो, तोलो भटकत फिरत भरमानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। कहो पिया त
तुम हो मेरे आस जीव आस विरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो ये जी सब विध पिया जी समारथ दिन रे न जात रोये रोये जी जन्म आंदे जो हम होते पिया सो तुम देखते के जी जब तुम आप देखोगे तब देखना भार जी एति पुकार पिया सुन के आवादिला करो तुम जीन जी क्षण क्षण खबर लीजियो में अर्ज करो दुलाहीन जी एति अरज मैं तो करो पिया आड़ी भाई अंत राय जी सो आड़ी अंत राय टाल के दुल्हा लीजिए गांठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास भी लास जी वारण जाए सिरी इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी तुम दुलाहा मैं दुलहिन और न जानो बात जी इश्क सो सेवा करो पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो जी श्री महामति जुगल सरो पापारी अंगना बली बली जात जी सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो ना बात जी महामति जुगल सरो पापारी अंगना बली बली जात जी पिया तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज करो मेरे पेव जी में अर्ज करो मेरे धनी जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय लाल की जय श्री सदगुरु महाराज की जय गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय।
परम आदरणीय सुंदर साहब जी, आज प्रार्थना पुष्पांजलि के एक दो पदों को लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ। रोज एक या दो पद का अपन गायन करेंगे और साथ साथ में इसका अर्थ भी समझाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि ये प्रार्थना पुष्पांजलि किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं बोला है और कोई कविता भी नहीं है ये, और ये कल्पना भी नहीं है और किसी को प्रसन्न करने के लिए भी नहीं गाया गया है। ये जो प्रार्थना पुष्पांजलि है गुरुजी श्री 108 मंगलदास जी महाराज के आत्मा का उद्गार श्री राज जी के प्रति है। जो आत्मा से उद्गार प्रकट किया जाता है परमात्मा के लिए, वही शब्द प्रार्थना बन जाते हैं। कोई कविताएं रची जाती है वो तो किसी को प्रसन्न करने के लिए, किसको खुश करने के लिए, शब्द की रचना, शब्द की व्यंजना के द्वारा एक भाव व्यक्त किया जाता है। ये श्री राज जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए आत्मा का उद्गार गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के द्वारा प्रकट किया गया है। जैसे श्री प्राणनाथ जी की वाणी श्री राज जी महाराज के द्वारा श्री महाराज ठाकुर के श्री विग्रह में बैठ करके चौपाइयाँ बताई गई, ऐसे ही सुखदेव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत प्रकट किया गया, यानी व्यास जी के द्वारा रचना की गई। सुखदेव जी महाराज ने उस भागवत ग्रंथ के शब्दों को प्रकट किया, परमात्मा ने अंदर बैठ करके अपनी बातें स्वयं कहलवाई। ऐसे ही ये जो प्रार्थना पुष्पांजलि है ये गुरु महाराज के अंदर की आत्मा का उद्गार श्री राज जी के प्रति है। आइए निजानंद को सुमिरि के, पहले हम इसका गान करेंगे। एक बार मैं बोलूँगा, दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे, आनंद मग्न होकर के, दत्त चित्त होकर के, एकाग्र होकर के, जैसे गुरु महाराज के दिल से ये चौपाइयाँ प्रकट हुई, ये पद प्रकट हुआ, वैसे अपन भी गाएंगे। एक बार मैं बोलूँगा, दोबारा आप सभी लोग बोलेंगे। निजानंद को सुमिरि के, निजानंद को सुमिरि के, सतगुरु का कर ध्यान, सतगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में, सुंदर साथ के चरण में, दास करे प्रणाम, दास करे प्रणाम, बार बार विनय करूं, बार बार विनय करूं, सुंदर साथ से है, सुंदर साथ से है, सेवक सेवा भाव में से, सेवक सेवा भाव में, बाढ़े प्रेम सने है, बाढ़े प्रेम से, सेवक सेवा भाव में से, सेवक सेवा भाव में, बाढ़े प्रेम स्नेह, बाढ़े प्रेम स्नेह। देखिए गुरु महाराज के हृदय का उद्गार सीधा परम धाम से संबंध जोड़ने वाला उद्गार है। निजानंद, निजानंद का मतलब क्या होता है? निज कहते हैं अपना, स्वयं का। आनंद का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। और हमारा निजानंद क्या है? स्वयं श्यामा महारानी। परमधाम में जो श्यामा महारानी हैं वही हमारे आनंद हैं। परमधाम में तीन चीज है, सत है, चिद है और आनंद है। सत अक्षर ब्रह्म है,
चिद श्री राज जी महाराज स्वयं हैं और आनंद स्वयं श्यामा महारानी हैं। तो हमारा आनंद छूट गया, हम संसार में मोह में उलझ गए, माया में उलझ गए, उलझन में फंस गए। हमारा आनंद कहाँ छूट गया? परम धाम में छूट गया था। इसलिए श्री गुरु महाराज ने कहा, निज आनंद को, निज अपने आनंद को सबसे पहले याद करो। परम धाम में हम कैसे आनंद लेते थे, कैसे परम धाम में रंग महल में हम लोग रहते थे, श्री राज जी के साथ हम 25 पक्ष में भ्रमण करते थे, ये हमारा अपना आनंद था। जिसको हम भूल गए हैं उसी को स्मरण करो, उसको याद करो। और वो निज का आनंद धरती में सबसे पहले किसने उतारा, किसने उतारा निज आनंद को धरती पे? सदगुरु श्री देव चंद्र जी महाराज ने धरती पे निज परम धाम के आनंद को धरती पे उतारा। जैसे उनका नाम श्री देव चंद्र था, निज के आनंद को अपने अंदर प्रकट करके धरती पे उतारा, उनका नाम क्या हो गया? निजानंद हो गया। देखिए उनका नाम निजानंद पड़ गया। जो अपने आनंद में सराबोर हो जाता है, डूब जाता है, उन्हें तो निजानंद कहा जाता है। तो परम धाम के आनंद को जिन्होंने अपने हृदय में प्रकट करके उतारा, उन्हें ही निजानंद कहा गया। क्योंकि जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांत, परम धाम का आनंद में से एक आनंद का स्रोत जमुना जल में स्नान करना भी होता है। और वो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज प्रकट करके दिखा देते थे। सुंदर साहब को प्रत्येक परम धाम का आनंद धरती में देने से उनका नाम निजानंद पड़ा। तो हम किसको याद करें? परम धाम के आनंद को धरती पर उतारने वाले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को भी याद करें। और क्या करें? सतगुरु का कर ध्यान। सबसे पहले हमारे आद्य सदगुरु सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं, उनका ध्यान करें, उनका स्मरण करें, उनको याद करें। क्यों? इसलिए हम एक चौपाई बोलते हैं ना, बंदऊं सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। अशुभ को समाप्त करना है और मंगल को अपने अंदर प्रकट करना है तो वह किसका नाम है? निजानंद स्वामी सदगुरु महाराज श्री देवचंद्र जी का नाम है। मैंने कई बार गुरुजी मंगलदास जी के पावन मुखारविंद से मैंने एक शब्द सुना। सिलगुड़ी में यदा कदा मुझे भी सौभाग्य मिलता था गुरुजी की सेवा करने का, तो गुरु महाराज के पास लोग आकर के आशीर्वाद मांगते थे। तो कईयों को गुरु महाराज को ऐसा बोलते हुए देखा, सत्य सदगुरु तो देवचंद्र जी महाराज हैं, हम तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं, बांट रहे हैं। देखिए सदगुरु महाराज का भाव कितना उच्च कोटि का होता था। मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं देने वाला, सब करने वाले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं। उन्होंने जो तारतम मंत्र धरती पे उतारा वही हम आपको प्रसाद के रूप में वितरण कर रहे हैं। हम परोसने वाले हैं, बनाने वाले तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। सुंदर साथ के चरण में, और ये चौपाई बीची वाली पंक्ति स्वयं अपने लिए बोल रहे हैं, मैं सभी सुंदर साथ के चरणों में। क्योंकि सुंदर साथ क्या है? परम धाम की अंगना है, राजी महाराज की अंगना है, राजी महाराज के इर्द गिर्द रहने वाली पवित्र आत्माएं हैं, उनको क्या करता हूँ? दास करे प्रणाम। मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ और मैं सुंदर साथ को प्रणाम कर रहा हूँ। एक बार गुरु महाराज ने कहा, मेरे को कहा, यो जयन नाम दासांतम भगवन नाम पूर्वकम, आगे परमात्मा का नाम हो पीछे दास लगा हो, ऐसा नाम होना चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने अपना नाम कभी नहीं बदला, अपने नाम के पीछे हरदम दास शब्द लगा करके रखा। मंगल, और मंगल का मतलब क्या है? चारों तरफ मंगल ही मंगल देने वाले को ही मंगल कहते हैं। मंगल प्रभात, मंगल सूर्य, मंगल कार्य,
मंगल आचरण, जहाँ हर जगह मंगल ही मंगल है। आपको पता है आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के पास लोग प्रवचन सुनते थे। प्रवचन सुनने के बाद जब प्रवचन पूरा होता था तो वहाँ पे बैठे हुए सारे जितने संत लोग होते थे, जिनको उनकी भाषा में भंते बोलते हैं, वो लोग क्या बोलते थे? मंगल मंगल मंगल, साधु साधु साधु, ऐसा शब्द प्रयोग होता था। जो ये मंगल शब्द है, बुद्ध ने सैकड़ों नहीं हजारों बार मंगल शब्द को प्रयोग किया। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, ये मंगल हो मंगल हो मंगल हो शब्द इतना गूंजने लगा, अंत में जाकर के मंगल हो गए, हमारे गुरु महाराज आ ही गए धरती पे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की, मंगल हो मंगल हो मंगल हो। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मंगल शब्द सेकुलर शब्द है। मंगल सबको चाहिए, मंगल हिंदू को भी चाहिए, मंगल ईसाई को भी चाहिए, मंगल इस्लाम को भी चाहिए, सारे जगत को मंगल चाहिए। कितना पावन शब्द है मंगल शब्द, जो यहाँ पे गुरु महाराज के नाम पे प्रयुक्त होता है। इसलिए दास करे प्रणाम, गुरु महाराज कहते हैं मैं सबका दास होकर के सबको प्रणाम कर रहा हूँ। कैसे? वार वार विनय करूं सुंदर साथ से ये है। जितने भी हमारे सुंदर साथ हैं उनको मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं, क्योंकि सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम स्नेह। हमारे अंदर सेवक का भाव होना चाहिए, मालिक का भाव नहीं। कई बार लोग आते हैं तो बोलते हैं मैं फलानी जगह का ट्रस्टी हूं, मैं फलाने जगह का ट्रस्टी हूँ, मैं फलाने जगह का अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने जगह का सचिव हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ। अरे ना हम सचिव हैं ना हम अध्यक्ष हैं, हम तो गुरु महाराज के सेवक हैं। देखिए मैंने अमृतसर में देखा है, अमृतसर में जाकर के आप वहाँ सेवा करने वाले लोगों को पूछिए आप क्या हैं, बोलते हम यहाँ के सेवादार हैं। सदा अपने आप को सेवादार बोलते हैं, लेकिन उनका पद बड़ा ऊँचा होता है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबरों को आप पूछेंगे तो बोलते हैं हम यहाँ के सेवादार हैं, हम यहाँ के सेवक हैं। हम भी सेवक बनने की भावना बना करके रखें। जो सेवक है वही ऊपर की ऊंचाई तक जाता है, जो मालिक है वो तो वजनदार है नीचे गिर जाता है। इसलिए सेवक बनने का भाव सदा बना करके रखें और हम सब में सेवा का भाव जगे और प्रेम जगे। आइए दूसरा पद गायन करते हैं। ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधेश्याम, पतित पावन राधेश्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, ब्रजपति मोहन हे घनश्याम, पतित पावन राधेश्याम, पतित पावन राधेश्याम, हे नंद नंदन हे ब्रजराज, हे नंद नंदन हे ब्रजराज, पूरण चित घन हे श्रीराज, पूरण चित घन पूरण चित घन हे श्रीराम, पूरण चित घन हे श्रीराम, हे मुरलीधर हे नंदलाला, हे मुरलीधर हे नंदलाला, मुरलीधर
गोपाल रसिक शिरोमणि है गोपाल हे मम रक्षक हे मम नाथ हे मम रक्षक हे मम नाथ संरचना की है। इसमें पूरा 21 नाम है श्री कृष्ण के। 21 आपने कभी ध्यान दिया हो ये बोलते समय 21 बार श्री कृष्ण का अलग अलग नाम लिया गया है। मैं आपको गिनती करके बताता जाऊंगा। 21 बार श्री कृष्ण का नाम गुरु महाराज ने उच्चारण किया है। कैसे किया है? सबसे पहले उन्होंने बोला ब्रजपति मोहन, ब्रज के अधिपति हे मोहन, सबको मोहित करने वाले। जब वृंदावन में श्री कृष्ण अपनी मोहिनी बंसी बजाते हैं ना, व्यास पतंजलि जैमिनी गौतम कपिल कणाद वृंदावन तरुडारी नपे पक्षिन्ह पक्षिनी नाद। जब मेरे मोहन श्याम सुंदर वृंदावन के वृक्षों पे लता पता पे चढ़ करके बंसी का निनाद करते हैं तो क्या होता है? व्यास जी, पतंजलि, जैमिनी, गौतम, कपिल कणाद ये सब बड़े बड़े ऋषि पक्षी बन करके बैठते हैं और कुहू कुहू करते हैं, बोलते हैं। बड़ा आनंद आता है श्री कृष्ण की बंसी बजने पर, इसलिए उनका नाम मोहन। देखो ब्रजपति मोहन, ब्रजपति शब्द आया ना, ब्रज के अधिपति कौन है? श्याम सुंदर श्री कृष्ण है। मोहन शब्द उन्हीं के लिए आया है, घनश्याम शब्द उन्हीं के लिए आया है। घनश्याम का मतलब क्या होता है? घन इव श्याम इति घनश्याम, आकाश में बरसात होने के लिए जो काले काले बादल आकाश में मंडराते हैं ना, उन्हीं काले काले मेघ को ही मेघ को ही घनश्याम बोला गया है। श्री कृष्ण का श्री विग्रह कैसा है? काले काले आकाश में मेघों की तरह श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभा होती है। और पतित पावन श्री कृष्ण का ही नाम है। पतितों को पावन करने वाले श्री कृष्ण ही हैं। हम तो पतित हैं, हम झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, पाप करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते रहते हैं, लेकिन उसको पावन कौन करता है? परब्रह्म श्री कृष्ण। हम धन कमाएं उसको पावन श्री कृष्ण करते हैं, हम झूठ बोलते हैं कभी उसको सत्य श्री कृष्ण ही बनाते हैं। पतित को पावन करने वाले भी श्री कृष्ण हैं और उन्हीं का नाम राधे श्याम है। देखो
राधे श्याम किसका नाम है? श्री कृष्ण का ही नाम राधे श्याम है। राधा के बगैर श्री कृष्ण को अधूरा माना जाता है, लेकिन श्याम में जो श्री शब्द लगता है, कृष्ण में जो श्री शब्द लगता है, ये भी राधा जी का ही द्योतक माना गया है, इसलिए राधे श्याम भी श्री कृष्ण का नाम है। इतना ही नहीं, हे नंद नंदन, ये भी श्री कृष्ण का नाम है। एक नाम और है श्री कृष्ण का, वसुदेव नंदन भी है, देवकी नंदन भी है, यशोदा नंदन भी है, लेकिन यहाँ पे गुरु महाराज ने नंद नंदन शब्द को चुना है। हे नंद नंदन, ये भी श्री कृष्ण का नाम है। हे ब्रजराज, ब्रज के राजा भी वही श्री कृष्ण ही हैं। ब्रज के राजा अधिपति कौन है? श्री कृष्ण ही हैं। और पूर्ण चिद घन, चिद घन का मतलब समझते हैं, चिद का मतलब होता है हमारा अंदर का चित्त। श्री प्राण जी ने वाणी में कहा ना, चित्त में चेतन अंतर्गत आपे सकल में रहा समाई। जो चित्त के अंदर चैतन्य है ना, ये चिद घन है, जो हमारे चित्त में घन बन करके विराजमान है, अच्छी तरह से छाए हुए हैं, चित्त के रग रग में जो छाए हुए हैं, वही चिद घन श्री कृष्ण का ही नाम है। और श्रीराज भी श्री कृष्ण ही हैं, कोई भेद नहीं है गुरु महाराज के हृदय में। चिद घन भी राजी हैं, राधे श्याम भी श्रीराज जी हैं, ब्रजराज भी, नंद नंदन भी, घन श्याम भी, ब्रजपति भी, मोहन भी, सब श्री कृष्ण ही हैं, सब श्रीराज ही हैं। और एक नाम और दिया है, हे मुरलीधर, श्री कृष्ण का एक नाम और ले मुरलीधर। मुरली और बांसुरी में थोड़ा सा भेद है, आप जानते हैं मुरली कैसे बजाई जाती है, मुरली कैसे बजाते हैं? जो ऐसे बजाया जाए वो मुरली है, जो ऐसे बजाया जाए वो बांसुरी है, थोड़ा सा भेद है ना मुरली और बांसुरी में। जो छिद्र के सामने से इधर से फूंक मारा जाए, यहाँ से फूंक मारा जाए, वो तो बांसुरी है, जो सामने से ऐसे बजाया जाए वो मुरली है। देखिए मुरली के भी भेद है, मुरली बांसुरी के भी भेद है। श्री कृष्ण मुरली भी बजाते हैं, बांसुरी भी बजाते हैं, दोनों चीज श्री कृष्ण बजाते हैं, इसलिए उनका नाम है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। एक नाम और है, हे नंदलाल, नंदलाल भी श्री कृष्ण का ही नाम है। ऊपर नंद नंदन, नीचे नंदलाल, दोनों नाम श्री कृष्ण के हैं। और एक नाम और है, रसिक शिरोमणि, ये भी श्री कृष्ण का ही नाम है। रसिक तो कोई भी बन सकता है, रसिक शिरोमणि बनना बड़ा मुश्किल काम है। जो हर पल प्रसन्नता में रहे, खुश में रहे, आनंद में रहे। अगर मेरे को बहुत बार किसी ने गाली दी, लेकिन उस गाली को मैंने आनंद के रूप में स्वीकार किया, तो मुझे वही गाली आशीर्वाद बन करके मुझे लगना प्रारंभ होएगा, है ना। कभी कभार हम लोग किसी के गाली को गाली के रूप में स्वीकार करते हैं, नहीं, आशीर्वाद के रूप में स्वीकार करें, तो गाली आशीर्वाद बन करके हमारे ऊपर बरसना प्रारंभ होगा। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ, अगर गाली देने से आपको कोई लाभ होता है तो गाली दें, जिस गाली के देने से लाभ ही नहीं है तो गाली क्यों दें। और आपको पता है, गाली देने वाले के गाली के शब्द को आशीर्वाद के रूप में लीजिए, तो जो गाली दी वो उसी को वापस हो जाएगा, हमें तो आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगा। भागवत में बहुत सारा प्रसंग आएगा इस विषय में, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा भागवत कथा के दरमियान, जो गाली शब्द के विषय में, क्योंकि भगवान कृष्ण को दो लोगों ने गाली दी है, दो लोगों ने गाली दी है। एक तो किसने गाली दी है? शिशुपाल ने गालियां दी है। दूसरा किसने गाली दिया है श्री कृष्ण को, बताइए, किसी को याद हो दूसरा कौन है? इंद्र ने गाली दी है श्री कृष्ण को, इंद्र ने। ये भागवत में मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, इंद्र ने जो श्री कृष्ण को गाली दी है उसका भी अर्थ मैं आप लोगों को व्याख्यात्मक ढंग से सुनाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं, तो उसको आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। तो रसिक शिरोमणि, श्री कृष्ण तो रसिकों के शिरोमणि हैं, योगेश्वर भी हैं श्री, और गोपाल भी उन्हीं का नाम है। गोपाल की ये पूरी धरती गोपाल की है, गोपाल की धरती है। इस गोपाल का मतलब गाय को पालन करने वाले, दूसरे अर्थ में हमारे इंद्रियों को चलाने वाले का नाम भी गोपाल होता है। गो कहते इंद्रियों को, पाल कहते रक्षा करने वाले। हमारी आंखों की रक्षा कौन करता है? श्री कृष्ण।
नासिका की रक्षा श्री कृष्ण है ना, हमारे हाथों की रक्षा श्री कृष्ण। इसलिए गोपाल के दो अर्थ होते हैं, एक तो गाय पालने वाले, दूसरा अर्थ होता है इंद्रियों की रक्षा करने वाले, वो भी श्री कृष्ण हैं। और हे मम रक्षक, मम कहते मेरी रक्षा करने वाले भी श्री कृष्ण हैं। मम शब्द आत्मा के लिए लगता है, तो मम रक्षक। और हे मम नाथ, मेरे नाथ भी वही है, मेरे अधिपति, मेरे मालिक। देखिए हमारा शरीर हमारा है, लेकिन इस शरीर हमारा होने के बावजूद शरीर में हमारा अधिकार नहीं है। और अधिकार होता तो हमारा शरीर बूढ़ा नहीं होना चाहिए था ना। शरीर में हमारा कोई अधिकार नहीं चलता है, जितना मर्जी हम श्रृंगार करें, मेकअप करें, ड्रेसअप करें, इस शरीर को हम ऊपर से शरीर को भ्रम दे रहे हैं, लेकिन शरीर की रक्षा इससे होती नहीं है। और दीन बंधु भी श्री कृष्ण का नाम है, दीनों के नाथ हैं वो। और गोपीनाथ भी श्री कृष्ण ही हैं, गोपी के नाथ, गोपी के रक्षक। और पूर्णानंद भी श्री कृष्ण ही हैं, सदा पूर्ण रूप से आनंद प्रदान करने वाले। और सच्चिदानंद भी श्री कृष्ण का ही नाम है, श्री कृष्ण का नाम सच्चिदानंद भी है, सत्चिद आनंद श्री कृष्ण में है। और श्री प्राणनाथ भी श्री कृष्ण का ही नाम है। अब क्या प्रमाण चाहिए, देखिए ये गुरु महाराज ने बोला तो प्राणनाथ जी ने बोला। मैं तो गुरु महाराज के शब्दों को प्राणनाथ जी के शब्दों के साथ तुलना करता हूँ। गुरु महाराज ने जो शब्द बोला है वो प्राणनाथ जी ने ही बोला है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का नाम प्राणनाथ भी है और आनंद कंद भी श्री कृष्ण ही है ना। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम बोलते हैं ना, आनंद के सागर, आनंद के स्रोत, आनंद के मूल, आनंद के शिखर, ये भी श्री कृष्ण ही हैं। तो कितने नाम हो गए, देखिए गुरु महाराज ने इस चौपाई में नाम ही नाम श्री कृष्ण का भरा है। अगर आप इतना भी पाठ करेंगे तो आप श्री कृष्ण का 21 बार नाम ले लेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। और कुछ मत करिए, रोज इतना बोलते रहेंगे तो 21 बार श्री कृष्ण का नाम का जप का लाभ आपको मिलने वाला है ना। इतना ही बोलते रहें तो भी आनंद ही आनंद है, तो भी श्री कृष्ण का नाम हमने जप कर लिया, साधना कर लिया। तो आप लोगों को सरल से सरल भाव समझाने का मैंने प्रयास किया है। ये दो पद आज आपके सामने रखा गया है, कल भी दो पद आप सभी के सामने रखेंगे। परम गुरु महाराज को याद करेंगे, गुरु महाराज को अपने स्मृति पटल पे बैठाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप श्री कृष्ण मंत्र का 5 बार जप करते हुए इस कार्यक्रम से विराम लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा। पूर्ण परमात्मा इसी नाम को भज भज के सदा सुख ले हो आत्मा। हे आत्मा सदा सुख ले आत्मा। हे आत्मा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नित्यानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।